नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वीर सावरकर पर की गई टिप्पणी के बाद अब महाराष्ट्र में वीर सावरकर को लेकर राजनीतिक युद्ध छिड़ चुका है, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राहुल गांधी को चेतावनी देती है, तो वहीं उद्धव ठाकरे और उनके गुट के नेता भी अब कांग्रेस पार्टी से बगावत करते नजर आ रहे हैं। तो वहीं आपको ये बता दें कि वीर सावरकर पर राहुल गांधी ने जो कुछ बोला, उन्होंने कहा कि मैं वीर सावरकर नहीं हूं, मैं गांधी हूं। और नहीं, राहुल गांधी हर बार जब अपमान करते हैं तो हमने उस पर कानूनी कार्रवाई की है। बीच में महाराष्ट्र में उन्होंने जो स्टेटमेंट किया था उसके अगेंस्ट पुलिस केस भी मैंने की है। 5 साल पहले मैंने भोईवाड़ा कोर्ट में केस किए फौजदारी, और उसके ऊपर कोर्ट ने डायरेक्शन दिए पुलिस को कि उनको नोटिस दी जाए, तो और अभी जाके मैं वापस कार्रवाई करूंगा, एफआईआर फाइल करूंगा। और गांधी माफी नहीं मांगेगा, जिसके बाद जो पोते हैं वीर सावरकर के, रंजीत सावरकर, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी या तो अपने बयान के लिए माफी मांगे, वरना वो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएंगे। ये रंजीत सावरकर ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए वीर सावरकर को लेकर जो राजनीतिक युद्ध लगातार छिड़ा हुआ है उस पर उन्होंने तमाम बातें कही हैं। उन्होंने उद्धव गुट और साथ ही जिस तरीके से एनसीपी चीफ शरद पवार ने कांग्रेस पार्टी के साथ वो मीटिंग में शामिल हुए, हालांकि वहीं उद्धव ठाकरे ने वीर सावरकर पर की गई टिप्पणी को लेकर ये कहा कि वो भगवान मानते हैं वीर सावरकर को, और ये अपमान वो उनका बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन तमाम बातों पर रंजीत सावरकर की ओर से क्या कुछ कहा गया है, सुनिए। संजय राउत जी या उद्धव ठाकरे जी व्यक्तिगत सावरकर जी का बहुत सम्मान करते हैं। उद्धव ठाकरे गुट के जो भी शिवसेना के, वो भी बड़ा सम्मान करते हैं, मगर ऐसे मामलों में सिर्फ सम्मान करना उचित, मतलब रिलेवेंट नहीं होता है। आपने उस पर काम भी करना चाहिए। जैसा बाला साहेब ठाकरे ने जूते मारो आंदोलन किया था, स्वयं उद्धव ठाकरे ने 2018 में कहा था कि राहुल गांधी ऐसा काम करेंगे तो मैं उन्हें जूते मारूंगा। मैं जूते मारने की तो नहीं बात कर रहा हूँ, मगर वो एक काम जरूर कर सकते हैं, वो राहुल गांधी या कांग्रेस को माफ़ी मांगने को मजबूर कर सकते हैं, तो उन्होंने वो मांग करना चाहिए। उन्होंने डिनर स्किप किया था, वो एक तरीका हो सकता है दिखाने का कि हम उनके वक्तव्य को नहीं सपोर्ट करते हैं। देखो, मैं राजनीति की बात, मैं तो राजनीति में स्वयं नहीं हूँ तो मैं उस पर बात नहीं करूँगा, मगर मैं ये चाहता हूँ कि अगर कोई आप जिसे आप दैवत मानते हैं, देवता मानते हैं, उसका अपमान करे तो उसके साथ मित्रता नहीं रखते। ये तो कॉमन बात है कि आपके पिता का कोई अपमान करेगा, आपका पड़ोसी, तो आप उसके साथ संबंध नहीं रख सकते। तो ये उनका राजनीति का मामला है, मगर अगर वो सावरकर का सम्मान करते हैं तो उन्होंने ये इस बोलना ही ये नहीं है, उन्होंने उस पे कार्रवाई करना भी आवश्यक है। रंजीत सावरकर ने जो न्यूज एजेंसी एनआई से बातचीत की है, आपने सुना कि किस तरीके से उनका ये साफ तौर पर कहना है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो माफी नहीं मांगेंगे क्योंकि वो सावरकर नहीं है। मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि वो ऐसे दस्तावेज दिखाएं जिसमें सावरकर ने माफी मांगी हो। इसके उलट वो 2 बार सुप्रीम कोर्ट से भी माफी मांग चुके हैं। इस बात का जिक्र भी रंजीत सावरकर की ओर से किया गया। राहुल गांधी जो कुछ भी कर रहे हैं वो बचकाना है, राजनीति को बढ़ावा देने के लिए देशभक्तों के नाम का इस्तेमाल करना निंदनीय है, ये बड़ा बयान उनकी तरफ से दिया गया है। इतना ही नहीं, सवाल ये भी पूछा गया कि उद्धव ठाकरे गुट और संजय राउत जैसे नेता जो हैं वो दरअसल मीटिंग में कांग्रेस पार्टी की नहीं पहुंचे। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि उद्धव ठाकरे और संजय राउत ने राहुल गांधी की टिप्पणी पर दुख जाहिर किया, लेकिन इससे ये साबित नहीं हो जाता कि वो वीर सावरकर का सम्मान करते हैं। अगर वो वीर सावरकर का इतना ही सम्मान करते हैं तो उन्हें कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन रखना ही नहीं चाहिए। ये तमाम बातें रंजीत सावरकर की ओर से कही गई है। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि कोई भी जो बेटा है वो अपने बाप का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक वैसे ही अगर उद्धव ठाकरे, संजय राउत और साथ ही एनसीपी चीफ शरद पवार जो हैं वो वीर सावरकर का इतना सम्मान करते हैं तो फिर वो कांग्रेस पार्टी के साथ आखिर गठबंधन क्यों कर रहे हैं, इस पर भी उन्होंने आपत्ति जाहिर की। आपको ये बता दें कि लगातार रंजीत सावरकर जो कि वीर सावरकर के पोते हैं, वो कांग्रेस पार्टी जो वक्त वक्त
पर वीर सावरकर का अपमान करती रही है। उनके खिलाफ कई केस वो पहले भी दर्ज कर चुके हैं, FIR वो करा चुके हैं और एक बार फिर उन्होंने राहुल गांधी को सीधे तौर पर चेतावनी दी है कि राहुल गांधी या तो अपने बयान के लिए माफी मांगे या फिर वो उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाएंगे। इतना ही नहीं, जो राहुल गांधी का बयान था जिसमें उन्होंने ये कहा कि मैं सावरकर नहीं हूं, मैं गांधी हूं और मैं माफी नहीं मांगूंगा, जिसके बाद अब रंजीत सावरकर ने राहुल गांधी से सबूत मांगे हैं और ये कहा है कि दरअसल मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि वो ऐसे दस्तावेज दिखाएं जिसमें सावरकर ने माफी मांगी हो। ये बातें भी रंजीत सावरकर की ओर से कही गई है। तो एक तरफ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राहुल गांधी के इस बयान पर आपत्ति जाहिर की थी और ये साफ तौर पर चेतावनी राहुल गांधी को दी थी कि महाराष्ट्र में अगर राहुल गांधी आएंगे तो महाराष्ट्र में उनका निकलना सड़कों पर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने वीर सावरकर का अपमान किया है। एक बार फिर इस तरह की टिप्पणी जो है वो राहुल गांधी की ओर से की गई है। लेकिन वहीं अब रंजीत सावरकर भी ये खुलकर कह रहे हैं कि शरद पवार जी के मन में सावरकर के लिए बहुत सम्मान है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि NCP चीफ शरद पवार के मन में सावरकर के लिए बहुत सम्मान है, लेकिन उन्हें आगे बढ़कर राहुल गांधी से सावरकर पर अब तक दिए गए बयानों को लेकर माफी मांगने के लिए अनुरोध करना चाहिए। यानी वो ऐसा कर सकते हैं कि वो कांग्रेस नेता को बोले कि आप वीर सावरकर के लिए माफी मांगिए, उन्हें बाध्य किया जा सकता है, लेकिन वहां ऐसा नहीं हो रहा है। बजाय इसके जो विपक्षी दलों की बैठक हो रही है उसमें NCP चीफ शरद पवार पहुंच रहे हैं। हालांकि उद्धव ठाकरे नहीं पहुंचे, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि वीर सावरकर जो हैं उनके लिए भगवान हैं, वो नहीं जाएंगे। लेकिन उन तमाम चीजों के बावजूद भी रंजीत सावरकर का यह कहना है कि उद्धव ठाकरे के सिर्फ इतना कह देने से यह नहीं माना जा सकता कि वो वीर सावरकर का सम्मान करते हैं, वीर सावरकर उनके लिए भगवान हैं। अगर वो सच में भगवान मानते हैं तो कांग्रेस पार्टी के साथ उन्हें जो गठबंधन किया हुआ है महाराष्ट्र में वो तोड़ना होगा, जो विचारधारा उन्हें कांग्रेस की अपनाई है वो तोड़नी होगी। ये तमाम बातों का जिक्र जो है वो रंजीत सावरकर की ओर से किया गया है। तो उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया, लेकिन फिलहाल आपको ये बता दें कि कांग्रेस पार्टी के लिए राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं काफी मुश्किलें वीर सावरकर पर बयान देकर खड़ी कर दी हैं। वीर सावरकर पर दिया गया बयान अब कांग्रेस पार्टी के लिए गले की फांस बन चुका है। जिस तरीके से तमाम विपक्षी दलों की बैठक हुई, एकजुटता की बात की गई, तमाम नेता ये कहते नजर आए कि 2024 में हम एकजुट रहेंगे, लेकिन उद्धव ठाकरे इस बैठक में नहीं पहुंचे। और रंजीत सावरकर की ओर से ये भी कहा गया है कि वीर सावरकर को लेकर राहुल गांधी ने जो टिप्पणी की है वो खुद कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं रास नहीं आ रही है। खुद कांग्रेस पार्टी के कई नेता इस चीज से नाराज है कि राहुल गांधी ने यह कहा है। हालांकि जो पार्टी मीटिंग हुई है उसमें यह कह दिया गया है कि कोई भी सेंसिटिव मुद्दे पर जो है बयानबाजी नहीं होगी, यानी वीर सावरकर पर टिप्पणी करने से बचना होगा। लेकिन क्या यही तमाम नेता अपने नेता राहुल गांधी को यह समझाएंगे कि उन्होंने वीर सावरकर पर जो बयान दिया है क्या उसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए या नहीं? अब इसको लेकर लगातार सियासी बयानबाजी का दौर जारी है। लेकिन फिलहाल आपको ये बता दें कि महाराष्ट्र में वीर सावरकर पर जो राजनीतिक युद्ध छिड़ा हुआ है, अब उन सब के बीच वीर सावरकर के पोते रंजीत सावरकर जो पहले भी राहुल गांधी पर FIR दर्ज करा चुके हैं, एक बार फिर अब वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि या तो राहुल गांधी अपने इस बयान के लिए माफी मांगने चेतावनी दी है कि अगर माफी नहीं मांगी तो FIR उन पर होगी और जाहिर तौर पर जब कानूनी कार्रवाई होगी तो राहुल गांधी के लिए मुश्किलें और बढ़ेंगी, क्योंकि फिलहाल मानहानि केस में जो मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी की थी उसमें 2 साल की सजा राहुल गांधी को हो चुकी है, जिसके बाद संसद की सदस्यता जा चुकी है, जिसके बाद राहुल गांधी को अब नोटिस मिल चुका है कि बंगला भी खाली करना होगा, 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन उसके बाद भी वो कानूनी पचड़े में फंसे नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।